साथियों, मैंने कहीं पढ़ा कि राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी तो एक्टर है, एक्टर। अब जिस पार्टी के नामदारों को रिमोट की इतनी आदत हो तो उसे हर कोई एक्टर ही नजर आएगा। चाहे रिमोट से सरकार चलानी हो या फिर रिमोट से वीडियो गेम खेलना हो, एक्टर से आगे ये लोग कुछ सोच ही नहीं पाते। और इसीलिए एक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के समझदार होने के इंतजार में, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। कांग्रेस ने 10 साल तक, मुझे जो एक्टर कह रहे हैं उनको पता होना चाहिए, उन्होंने 10 साल तक इस देश पर एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थोप दिया था। साथियों, क्रिकेट में जब दिन का खेल पूरा होने का समय, आखिरी ओवर बाकी हो एक दो और कोई आउट होता है, तो जो आखिरी नंबर का होता है उस खिलाड़ी को लाया जाता है और वो नाइट वॉचमैन का काम करता है। नाइट वॉचमैन भेजते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी है उनको नहीं भेजते हैं। कांग्रेस को भी 2004 में उन्होंने सोचा नहीं था, अचानक मौका मिल गया। और जब अचानक मौका मिल गया तो राजकुमार की संभालने की स्थिति नहीं थी, खुद परिवार को राजकुमार पे भरोसा नहीं था, कांग्रेस को भरोसा नहीं तैयार था। और इसलिए राजकुमार तैयार होने तक परिवार का वफादार वॉचमैन बिठाने की योजना बनी। और उन्होंने सोचा कि राजकुमार आज सीखेगा, कल सीखेगा, सब इंतजार करते रहे। भरपूर ट्रेनिंग देने की कोशिश भी की गई लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। लेकिन इस कोशिश में देश के 10 साल तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। एक्टिंग पीएम रिमोट उनके पास नहीं था, कहीं और था। देश की चिंता छोड़ वो कुर्सी की चिंता में ही लगे रहे। 10 साल देश ने ऐसी सरकार देखी कि हर तरफ हताशा निराशा फैल गई। आखिरकार 2014 में इन लोगों को देश की जनता ने निकाल कर बाहर कर दिया।